सो हमने 320 लाइन तक पढ़ा. 320 लाइन के बाद जो है वी हैव एन एलेबोरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गेम ऑफ ओम्बर एज प्लेड बाय 3 पर्संस, क्योंकि 3 लोग इसको खेलते हैं. और एट वन स्टेज इट सीम दैट बिलिंडा माइट लूज द गेम, बट इन द एंड द विक्ट्री फॉल टू हर. आखिर पे बिलिंडा जीत जाती है. बिलिंडा फेल डिलाइटेड विद अ ट्राइम्फ और इतने चीखती है, इतना खुशी से चीखती है कि स्काई हिल जाए. तो फिर वहाँ पे पोइट का कमेंट है कि जो पोइट वहाँ पर कमेंट करता है कि पोप के इंसान का नेचर जो है वो कितना, मतलब हेस्ट है, वो कितना शैलो नेचर है कि वो कितनी जल्दी डिप्रेस भी हो जाता है कोई बुरी बात हो जाए और कितनी इजली खुश भी हो जाता है अगर कोई अच्छी बात हो जाए. तो बिलिंडा, पोइट कहते हैं कि बिलिंडा अभी ये रियलाइज़ नहीं करी कि उसकी जो विक्ट्री है ये वक्ती है, क्योंकि थोड़ी देर बाद ही उसको डिसग्रेस का सामना करना पड़ेगा. नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास डिस्क्रिप्शन होती है कॉफ़ी मेकिंग की, और कॉफ़ी ड्रिंकिंग की डिस्क्रिप्शन है कि कॉफ़ी जो है वो ग्रेटिफाई कर देती है पीने वालों को. और फिर उसके बाद डिस्क्रिप्शन है कि ग्रुप ऑफ सिल्व जो है वो बिलिंडा को प्रोटेक्ट कर रही हैं, और जो कॉफ़ी की जो स्मेल है, फ्यूम्स हैं, वो बैरन के ब्रेन तक जाते हैं तो उसको स्टिमुलेट करते हैं उसकी थिंकिंग को कि वो कोई नया तरीका सोच सके बिलिंडा के लॉक ऑफ हेयर को हासिल करने का. तो ये जो कॉफ़ी मेकिंग के जो है ना डिस्क्रिप्शन, कॉफ़ी मेकिंग की, कॉफ़ी ड्रिंकिंग की, ये भी पोप का सटायर है ऑन द लाइफ ऑफ द टाइम. उस टाइम की जो लाइफ थी लोगों की उसके ऊपर सटायर है कि क्योंकि यहाँ पे बताया गया कि द फ्यूम्स ऑफ द कॉफ़ी वी आर टोल्ड मेड द पॉलिटिशियन वाइज एंड एनेबल्ड देम टू सी थ्रू ऑल द थिंग्स विद हाफ शट आइज, कि उनको जो है वो वाइज बनाते हैं. तो ये भी उसका सटायर है कॉफ़ी मेकिंग. और वो तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये लाइंस मैंने स्किप कर दी हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइंस है वो मैं आपको कराऊंगी, जिसमें एक लेडी क्लैरिसा जो है वो बैरन को सीजर्स जो है वो पकड़ाती है, और वो सीजर्स जो है सीजर्स पकड़ाती है और उसको लेकर जो है बैरन जो है बिलिंडा के लॉक ऑफ हेयर को काट देता है. और फिर बिलिंडा बहुत ज़्यादा शोर मचाती है, और फिर बैरन जो है बिलिंडा को बताता है पावर ऑफ स्टील, के स्टील की कितनी पावर है, क्योंकि उसकी जो है वजह से सीजर्स जो है वो बनी होती है. बैरन जो है वो अपनी विक्ट्री पे बहुत ज़्यादा खुश भी होता है. तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लाइंस जो हैं वो हम पढ़ते हैं.